Friends, welcome to this discussion to master the essay writing. Essay is the first paper that we write when we start writing the mains, and it has a lot of impact and it can be easily done. So, I consider it as one of those subjects where the ROI is. Where well, the ROI is very high, that even with little investment of time, effort, and energy, you can get much larger return. So let's move forward. I am Divya Mishra, ranked 28 in UPSC Civil Service Examination 2020. Last year, I had secured rank 312 when I have joined Indian Railway Traffic Service. In SA, uh, I have been getting good scores consistently in last two years, and it is because of certain strategies and certain uh, do's and don'ts that I have followed in my preparation strategy. So this is what I'm going to discuss with you and uh, if you want more detailed analysis and agar uh, Ab. ज़्यादा स्ट्रेटजाइज फॉर्म में ये चाहिए तो हम ये डिस्कशन और भी करेंगे अपनी स्पेशल क्लासेस में जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं इनवाइट को डी एम यूज करके जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में वहाँ पर ओ तो उसके थ्रू बिकॉज ये फ्री होंगी और लाइव होंगी तो आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं ऐसे को लेकर के बिकॉज इसे इज वेरी सब्जेक्टिव हर किसी के अपने डिफरेंट डिफरेंट डाउट्स होंगे सो आई वेलकम यू टू ज्वाइन दैट कन्वर्सेशन एंड आई विल बी ट्राइंग टू आंसर यूर क्वेरीज पर्सनली सो लेट्स मूव फॉवर्ड जैसे मेरे लेक्चर्स हैं इसमें ऐसे ही आपको बहुत सारे दूसरे एजुकेटर्स भी हैं जिनका कंटेंट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा फॉर एग्जाम्पल मुरल पटेल जी uh, गुर्जर जी अरोरा जी एंड uh, नायक जी सो so, इन सारे एजुकेटर्स का कंटेंट यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं और भी मार्क्स फेचिंग बना सकते हैं सब so शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को विच इज अबाउट द एसे राइटिंग ओवरव्यू इसका ये रहेगा कि फर्स्ट टाइम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है क्योंकि ऐसे आपको टेन पॉइंट फाइव टू इलेवन पेजेस में लिखना होता है टोटल दो ऐसे होते हैं और ओवरऑल इट इज़ अ 250 मार्क्स पेपर फिर फ्लो क्या होना चाहिए ऐसे का फिर तीसरे में आई एम गोइंग टू डिस्कस की टाइप्स कितने होते हैं ऐसे के फोर्थ है ब्रेकिंग देन बिल्डिंग इसको जब हम वहाँ पे जाएंगे उस स्लाइड में तब हम देखेंगे फिर है यूनिकनेस ऑफ योर ऐसे विच आई थिंक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब हम uh, एक एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ रहा होता है तो वो आपको जान रहा होता है आपकी विचारधारा क्या है आप इश्यूज़ को लेकर के के लिए कितना सेंसिटिव हैं आप कैसे ओवरऑल एक होलिस्टिक व्यू रखते हैं आपको कितनी समझ है मल्टी लेयर्ड नेस ऑफ द इश्यूज़ की तो ये सारी जो हैं वो यूनिकनेस को डिटरमाइन करती हैं आपके ऐसे की एंड लास्ट में सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऐसे में पूछे गए हैं हम उनको देखेंगे कि आखिर इन ऐसे में किस तरह लिखना चाहिए जिससे जो मार्क्स है वो बेटर आए और ओवरऑल क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऐसे एज ए जीएस पेपर की इट्सल्फ सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से ऐसे uh, जो होता है उसमें आपको इलेवन पेजेस मिलते हैं उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन जो होता है वो रिटर्न होता है ऐसे फ्रंट पेज होगा उसमें हाफ में आपके चार ऑप्शन होंगे चारों लिखे हुए होते हैं उसके बाद आपके पास ये स्पेस हो, होता है और इसको मिला के टोटल मेरे हिसाब से टेन टू इलेवन पेजेस आपके पास बनते हैं हर किसी की राइटिंग अलग है अलग अलग फॉन्ट साइज है तो मैं जैसे कि थोड़ा सा मेरा बहुत बड़ा फॉन्ट साइज नहीं है तो इसलिए मैं टेन पेजेस में कंप्लीट कर देती थी अपना इसे पर आप इलेवन पेजेस तक भी जा सकते हैं लेकिन हाँ वर्ड लिमिट जो है ऐसे की उसको जरूर अडियर करिएगा क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ज्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा हो सकता है क्वालिटी कम्प्रोमाइज हो जाए आपको सोचने का टाइम ना मिले और वर्स पार्ट इज आप पेनालाइज हो सकते हैं यूपीएससी के के द्वारा तो आप वर्ड लिमिट में जरूर रहिएगा ऐसे में आप चाहें तो अपना ऐसे राइट फ्रॉम हियर स्टार्ट कर सकते हैं आप अपनी हेडिंग डालिए और अपना ऐसे स्टार्ट कर दीजिए या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस चीज को लेकर डाउट रहता है लोगों में बट uh, मुझे लगता है कि इट्स कंप्लीटली टू यू लेकिन आप जिस पार्ट पे नहीं लिख रहे हैं आप उसको हमेशा ऐसे स्ट्राइक uh, करें क्योंकि अदरवाइज इसकी भी पेनल्टी होती है जो पेज आप नहीं यूज कर रहे हैं आपको उसमें अगर पेज ऐसे हैं तो यू हैव टू स्ट्राइक ठीक है तो अब हम आते हैं कि ऐसे में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए देखिए आपके पास जो भी टॉपिक आएगा आपका जो ऐसे है उसमें तीन पार्ट होते हैं पहला होता है उसका इंट्रोडक्शन जैसे आपके जीएस के क्वेश्चन के भी इंट्रोडक्शन होते हैं और दूसरा पार्ट होता है उसकी बॉडी एंड थर्ड होता है उसका कंक्लूजन कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड को इसमें साथ में ही मैं इंक्लूड कर दे रही हूं ये है इंट्रोडक्शन में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वन या फिर वन पॉइंट फाइव पेजेस दे सकते हैं इससे ज्यादा देंगे तो इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा इससे कम देंगे तो इंट्रोडक्शन बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि हाफ अ पेज या फिर पॉइंट सेवन फाइव पेज ऑफ इंट्रोडक्शन मे बी टू शॉर्ट ऐसे ही कंक्लूजन में आप वन टू वन पॉइंट फाइव पेज दीजिए और अगर आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो आप मे बी इसको टू पेजेस तक ले जा सकते हैं बाकी जो बचा हुआ स्पेस है आप वो सारा का सारा दीजिए अपनी बॉडी को ये एट टू नाइन पेजेस हो सकता है डिपेंड करेगा कि आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसा था ये ओवरऑल आपके ऐसे का एक स्ट्रक्चर बन गया कि आपको इतना इतना अपना जो वर्ड word है वर्ड्स हैं और जो अपना पेज है करेस्पॉन्डिंगली अलोकेट करना है अपने ऐसे के लिए सो लेट्स गो टू स्लाइड इट इज फ्लो सो in our essay flow is very important and how i have perceived it is this that in the introduction because essay is divided into three parts first is introduction second is the body of the essay and third is the conclusion of the essay so what we can do is what i have experimented with is in the introduction part we can generate curiosity in the mind of examiner for example, I have attached one of my sample essays in the latter part of the presentation where we will see how we can create this curiosity either by using some paradox or giving diverse point of views about a topic or showing the contradictory nature of things. ंग इट वेरी इमेजिनेटिव इन नेचर आई वो अटैच ऑन द प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर सो देर वी विल सी हाउ ऑल दीज स्टाइल ऑफ इंट्रोडक्शन कैन बी एक्सपेरिमेंटेड विद तो हमने ये कर लिया इंट्रोडक्शन इसमें हम क्यूरियोसिटी जनरेट करेंगे ताकि जो एग्जामिनर है उसका ऐसे देख करके एक बार पढ़ने का मन करे कि स्टूडेंट uh, आगे क्या लिखने जा रहा है तो ये हमारा एंड गोल होना चाहिए ये हमारा कि इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या है क्यूरियोसिटी जनरेट करना सेकेंड आता है जो बॉडी ऑफ द एसे बॉडी ऑफ द एसे का पर्पस होना चाहिए नॉलेज Means, अब यहां पे जज होने जा रहा है आपने क्यूरियोसिटी जनरेट कर ली पर आपका नॉलेज कंटेंट कितना है इसमें आपने जो टॉपिक लिया उसको आप कितने मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एक तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू हो गए और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कनेक्शन जो ये पैराग्राफ आया इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा इसमें आपस में आप कैसे फॉर्म में मूव करेंगे वो जो ट्रांजेशनल स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे आएंगे और जब आप ये सब करेंगे तो ओवरऑल इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि पूरा ऐसे एक एक चेन ऑफ थिंग्स हो चेन ऑफ आइडियाज हो जिसमें जो इंडिविजुअल चीजें हैं उनका अपना सेंस हो और साथ में जब आप कंप्लीट उसको देखें तो वो अपने आप पे एक मैसेज छोड़ के जा रहा हो तो जो आपने क्यूरियोसिटी जनरेट की उसका डिविडेंड मिले एग्जामिनर को भी आपका ऐसे पढ़ के उसका अपना नॉलेज इंक्रीज हो कई बार इस तरह की कोशिश करनी चाहिए और आप आराम से इसको कर सकते हैं बहुत ईजी है अपने जी के नॉलेज को थोड़ा सा इमेजिनेटिव फॉर्म में थोड़ा क्रिएटिव इनोवेटिव फॉर्म में यूज़ करके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स दे करके आप बहुत सारे न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं आप योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन देखते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज टच करते हैं आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनको आप अपने ऐसे की बॉडी में अपने इंट्रो में कंक्लूजन में डाल सकते हैं अब कंक्लूजन की बात करते हैं लेट मी इरेज दिस कंक्लूजन तो कंक्लूजन सेक्शन में क्या होता है कि आपने शुरुआत की थी क्यूरियोसिटी से फिर आप लेके गए नॉलेज की तरफ अब हमारा गोल है विजडम कि आपने पूरा ऑलमोस्ट थाउजेंड वर्ड्स का आपने डिस्कशन किया उस टॉपिक पे आपने बहुत सारे फैक्ट्स दिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए अपनी बात को सब्सटैशिएट करने के लिए लेकिन अल्टीमेटली विजडम क्या है उस सारे नॉलेज के बाद मैसेज क्या है और इस कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड भी कोशिश करिए डालने की क्योंकि वे फॉरवर्ड हमेशा एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस प्रोवाइड करता है आपके आंसर को आप वे फॉरवर्ड को कंक्लूजन से जस्ट एक उसके ऊपर का पैराग्राफ जो है वो होना चाहिए वे फॉरवर्ड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ऐसे अगर खत्म हो गया तो इसके बाद आएगा वे फॉरवर्ड और इसके बाद आएगा कंक्लूजन ठीक है तो ये फ्लो होना चाहिए मैं फ्लो को जनरली स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं बता रही हूँ वो मैं पहले बता चुकी हूँ मैं इसको जो फ्लो का पर्पस है के फॉर्म में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जब हमारे दिमाग में ये क्लियर होता है कि हम इंट्रो इंट्रोडक्शन क्यों लिख रहे हैं और बॉडी ऑफ द ऐसे क्यों लिख रहे हैं कंक्लूजन क्यों लिख रहे हैं ये सब उसके पर्पज हैं तो शायद जो हम कंटेंट डिलीवर करते हैं उस टाइम पे उसकी क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है वो कंटेंट ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड थर्ड इट टाइप्स टाइप्स का मेरा मतलब ऐसे के टाइप्स से नहीं है ऐसे के टाइप्स में यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मेरे हिसाब से ऐसे जो बेसिकली आ रहे हैं वो ब्रॉडली अगर देखा जाए बहुत ब्रॉडली सेंस, ब्रॉड में तो दो टाइप के हैं पहला है फिलोसफिकल और दूसरे हैं मोर रियलिस्टिक और मोर कॉन्क्रीट क्योंकि ये वाले थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट होते हैं अभी जब हम पी क्यूज देखेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे कैसे हैं और इनमें क्या करना चाहिए और जो कॉन्क्रीट ऐसे हैं ये कैसे होते हैं और इनको कैसे अप्रोच करना चाहिए अब टाइप्स पे मेरा मतलब है कि हम कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं मेथड्स के क्या क्या टाइप हैं किसी ऐसे को अप्रोच करने के लिए तो फॉर एग्जाम्पल अप्रोच है इसमें आ गया कि पॉलिटिकल एंगल से आप इशू को देखिए आप फिर इकोनॉमिक एंगल से देखिए और उसके बाद फिर आप सोशल uh, एंगल से देखिए फिर आप इसको देख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एंगल से लीगल या लॉ एंगल से क्या है ये लास्ट में आप इनवायरमेंटल एंगल से इसको देखिए तो एक तो ये टाइप हो गया किसी टॉपिक को एनालाइज करने का फर्स्ट मेथड ये है तो आपको जो बॉडी लिखनी है ऐसे की उसमें आपको ये सारे डायमेंशन मिल जाएंगे इसी का थोड़ा और एक्सप्लेन वर्जन स्पेक्ले जिसमें आता है सोशल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कल्चरल लॉ, लीगल, इंटरनेशनल हिस्टोरिकल और मिथोलॉजिकल दूसरा तरीका ये हो गया जो पेस्टल का ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है थर्ड है यूपीएससी सेलेबस अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये इंटरेस्टिंग ऐसे है कि अब देखिए अपने सिलेबस में शुरुआत होती है हिस्ट्री से हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं इसमें इंडियन होती है हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री होती है देन आता है ज्योग्राफी का सेगमेंट फिर हम मूव करते हैं सोसाइटी में इसके बीच में जीएस वन में सोशल जस्टिस आता है फिर आता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फिर है आईआर, सेवेंथ में आप देख सकते हैं जो इकोनॉमिक्स एंगल है एथ में आता है इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर का डिस्कशन होता है पर मैं इसको अलग से लेती हूँ क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट इश्यू है फिर नाइन्थ में डिजास्टर आप ले लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट टेंथ में आप लीजिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एलेवेंथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लास्ट में इंटरनल सिक्योरिटी अब आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए सारे टॉपिक हो सकता है इसमें फिट ना हो पर जब भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आता है जिसमें कि थोड़ा फिलोसॉफिकल है एग्जैक्टली exactly सेंस नहीं आ रहा है कि हम इसमें क्या डायमेंशन लें और पोलिटिकल इकोनॉमिक में थोड़ा आपको चैलेंजेस फील हो रहे हैं तो जो हमारा सिलेबस होता है वो सेल्फ बहुत सारे डायमेंशन हमें प्रोवाइड करता है तो आप इस तरह से भी उस टॉपिक को एनालाइज कर सकते हैं हम अब एक एग्जाम्पल लेंगे बहुत सारे पी वाई क्यूज में उसमें देखिए ऐसा कैसे कर सकते हैं एंड लास्ट है लेवल्स ऑफ परस्पेक्टिव का मतलब है कि एक टॉपिक को सिंपली आप उस टॉपिक को ही एक इंटायरिटी में लीजिए और आप ये देखिए कि उसका व्हाट व्हाई हाउ व्हेन वेयर ये सब कैसे है वो टॉपिक खुद ही अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस बोल रहा होगा आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है वही क्वेश्चंस जो सब क्वेश्चंस होते हैं उस टॉपिक के वो आपके पर्सपेक्टिव होते हैं आप उन पर्सपेक्टिव के हेडिंग कर सकते हैं या फिर आप स्मूथ ट्रांजिशन भी कर सकते हैं बिना हेडिंग मार्क uh, के हुए और अपने ऐसे को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं और फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं हमें सारे जो टाइप्स हैं उनको भी आगे की स्लाइड्स में देखेंगे सो फोर्थ इज ब्रेकिंग देन बिल्डिंग Uh, मुझे ऐसा लगता है कि दो तरीके हैं पहले तो हमारा कोई टॉपिक हमारे पास है जो ऐसे का उसमें आप उसको पेस्टल हो गया या फिर स्पेक्ली हो गया या सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में आप ब्रेक कर लीजिए और जब वो ब्रेक हो जाता है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में तो उसको हम कहेंगे एनालिसिस और बाद में आप एक बिल्डिंग शुरू करिए अपनी सिंथेसिस शुरू करिए अपनी स्टोरी की आप कहना क्या चाहते हैं अल्टीमेटली बात यह नहीं है कि हमें उस टॉपिक को उन पार्ट्स में तोड़ना है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्टोरी क्या निकल के आ रही है मैसेज क्या निकल के आ रहा है बहुत सारे फैक्ट्स टुगेदर दे हैव टू बी ईच अदर थ्रू सम लॉजिक तो स्टोरी इज इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव मीन्स डिफरेंट पार्ट्स स्टोरी इज अ मैसेज कि उस पूरे पैराग्राफ का एक मैसेज क्या है अगर आप ओवरऑल फॉर एग्जांपल थ्री पैराग्राफ्स पर पेज ले रहे हैं या फोर पैराग्राफ्स पर पेज ले रहे हैं तो अगर मैं सिर्फ बॉडी ऑफ ऐसे की बात करूं तो जो कि एट पेज की होगी तो आप कम से कम ट्वेंटी पैराग्राफ टच कर सकते हैं ट्वेंटी पैराग्राफ का मतलब हुआ ट्वेंटी शॉर्ट स्टोरीज 20 शॉर्ट स्टोरीज 20 डिफरेंट और उनका अपना मैसेज उनको कंक्लूड करना इस तरह से आपको करना है एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि एक पैराग्राफ में आप हार्डली फोर टू फाइव या इससे भी कम आप रखिए थ्री टू फोर सेंटेंसेस अगर बड़े हैं तो इससे ज्यादा नहीं इसी में आपको अपनी पूरी बात कहनी होगी और अगर बात ज्यादा लंबी है तो आप अगला पैराग्राफ ले जाइए लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखिए कि हर लाइन में जो वैल्यू एडिशन है पर लाइन या नंबर ऑफ पर नंबर ऑफ वर्ड्स इट शुड बी हाई हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं हर लाइन हर सेंटेंस वो जो है उस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर रहा होना चाहिए जब एग्जामिनर उसको पढ़े तो उसको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिले या फिर एटलीस्ट नई नई मिले तो जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो इंफॉर्मेशन मिले अब इसके बाद हम फिफ्थ देखते हैं यूनिकनेस ऑफ योर एसे मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऐसे को कैसे यूनिक बना सकते हैं यूनिकनेस हर ऐसे की ऑलरेडी होती है लेकिन इसको और थोड़ा सा इनरिच किया जा सकता है अगर आप उन चीज़ों का ध्यान दें कि इंट्रोडक्शन में पैराडॉक्स डेलमाइ कंफ्यूजन शो करना चीज़ों का और कंक्लूजन में उसका सोल्यूशन और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना ये तो हुआ बेसिक फ्रेमवर्क अब आप इसमें यूनिकनेस ऐड करने के लिए आपके अपने जो एग्जाम्पल्स हैं जो मे बी आपने एथिक्स के लिए किए हैं आपने अपने ऑप्शनल के लिए किए हैं आपके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं या फिर आपका अपना वर्ल्ड व्यू है आपका अपना चीज़ों को देखने का नज़रिया है आप उसको डाल सकते हैं लेकिन हाँ ये सब एक्सपेरिमेंटेशन तब तक जब तक वो अलाइन्ड है आपके ऐसे के डिमांड के साथ तो इस तरह से आप यूनिकनेस ऑफ योर ऐसे ला सकते हैं अपने पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स अपने एरिया के एग्जाम्पल्स Uh, आपके जो ऑप्शनल से स्पेसिफिक चीजें हैं आपका अपना कोई पर्टिकुलर स्टाइल है लिखने का अगर आप इमेजिनेटिव हैं, तो कुछ यूनिक सी स्टोरी में आप डॉट के फॉर्म में डाल सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में या फिर अगर आपको स्टोरी नहीं लिखनी है तो आप सिंपली उससे रिलेटेड जो भी ब्रेन स्टॉमिंग में आपको आइडियाज मिल रहे हैं उनको आप लिख सकते हैं अब फिफ्थ के बाद मैं इससे पहले एक जो चीज थोड़ा मेंशन करना चाहूंगी वो ये है कि ये बहुत जरूरी है कि जब आपके पास ऐसे का टॉपिक आता है तो आप हमेशा पहले रफ वर्क कीजिए लास्ट में आपको इसके लिए प्रॉपर स्पेस मिलता है आप रफ वर्क में ये सारे डायमेंशन साइड में लिख लीजिए कि सोशल हो गया पॉलिटिकल हो गया या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इंडिविजुअल देन फैमिली देन सोसाइटी नेशन और इंटरनेशनल ये सब भी डिफरेंट परस्पेक्टिव हैं जिसमें आप सेम टॉपिक को एनालाइज कर सकते हैं तो आप रफ में ये सारी चीजें लिख दीजिए आपको जो भी फैक्ट लिखने हैं अगर आपको कोई कोट लिखना है अगर आपको कुछ एनेकडॉट मेंशन करनी है कुछ एग्जांपल्स आप सब रफ में ये मेंशन करिए और फिर आप रफ से जब फाइनली लिख रहे होंगे उसमें आप करिए रफ में आपको टाइम लगना चाहिए मेरे हिसाब से ट्वेंटी मिनट्स और डिपेंड करेगा आपकी स्पीड के ऊपर आपके क्वालिटी एनालिसिस के ऊपर प्लस माइनस फाइव मिनट्स ऐसे है तो इतना टाइम आप रफ रफव में लगाइए जब आपके पास ऐसे का पेपर आता है और फिर आप अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करिए इससे क्या होगा कि जब आप अपना ऐसे लिख रहे होंगे उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आपने पूरी ब्रेन स्टॉमिंग कर चुकी होगी अपने टॉपिक पे और सिर्फ लिखना बाकी होगा बाकी ऐसा नहीं है कि जो रफ वक में लिखा है एज इट इज आपको अपने ऐसे में लिखना है मैंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि जब हम लिखते हैं टॉपिक को तो फिर कुछ नए आइडियाज आने लगते हैं तो ये फ्लेक्सीबिलिटी आप अपनी राइटिंग में रखिए कि अगर नए आइडियाज आएंगे तो आप उसको भी कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अब यहाँ पे मैंने अपना एक एग्जाम्पल ऐसे का दिया हुआ है तो टॉपिक था वेरी रेलिवेंट टॉपिक री इमेजिनिंग इंडिया इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड सबसे पहले आप इसमें वर्ल्ड की वर्ड आइडेंटिफाई करिए री इमेजिनिंग इंडिया तो सबसे पहले इंडिया प्री कोविड क्या था कोविड में क्या हुआ और री इमेजिन इंडिया पर फोकस जो है वो री इमेजिन पे रहेगा इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड क्या है उसमें इंडिया को री इमेजिन करना अब ये इसका इंट्रोडक्शन है

वैक्सीन एक्सेस यहाँ पे सारी अच्छी बातें लिख दी कि ईयर लॉन्ग uh, जो भी है डेवलपमेंट इन ग्लोबल पीस इन द लाइट एट द एंड ऑफ दिस लॉन्ग टनल ऑफ कोविड तो कैसे यहाँ पे आके हल्का सा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो इसमें मैंने कोई एनेकडॉट नहीं लिखा है लेकिन जो कोविड की सिचुएशन जो थी बहुत क्योटिक थी बहुत नॉइजी थी तो उस नॉइज को उस क्योस को अपने वर्ड्स के थ्रू शो करने की कोशिश की है तो ये हिंच कर देता है एग्जामिनर को कि वो आपका ऐसे आगे पढ़ेगा उसको समझ में आ रहा है कि आप टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं इट्स लाइक अ ट्रेलर आप आगे क्या बात करने जा रहे हैं फिर आप धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे कि वन कैन नॉट आई यहाँ पे आप लिंक करेंगे धीरे धीरे अब इंट्रोडक्शन को आगे की बात से और फिर आप हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल कोविड इज नॉट द फर्स्ट पैंडमिक ह्यूमन हिस्ट्री में ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत सारे पैंडमिक्स आए जो लास्ट वन था इट वॉज द स्पैनिश फ्लू नाइनटीन एटीन इनफ्लुएंजा आफ्टर अ सेंचुरी मोर देन अ सेंचुरी कोविड आया है तो आप इस तरह से हिस्टोरिकली बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे फिर आप कोविड के क्या में सारे एंगल लेके आएंगे कि पोलिटिकल कैसे टर्मोइल क्रिएट हुआ उस समय यूएस में इलेक्शन चल रहे थे इसराइल में चल रहे थे उसके बाद अपना जो फेडरलिज्म में अपनी कंट्री में इशू आया जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का था स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट देन इकोनॉमिक आप उसमें देख सकते हैं कि इकोनॉमिकली कितना डैमेज हुआ है कितना क्या है जो उसकी सोशल कॉस्ट है सोशल टेंशन है आप उसमें जा सकते हैं जो माइग्रेंट एक्सो हुआ था उस पर जा सकते हैं लाइवलीहुड लॉसेस के बारे में बात कर सकते हैं कितनी चिल्ड्रन ऑर्फन हो गए सोशल जस्टिस की बात कर सकते हैं इन्वायरमेंट में जोनॉटिक डिसीजेज़ के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे जोनॉटिक डिसीज़ेज बढ़ रही हैं क्या रीजंस हैं इंटरनेशनल में आप टच कर सकते हैं डब्ल्यू एच ओ की इफेक्टिवनेस चाइना का पूरा एंगल आप ला सकते हैं कि जो लैब लीक की थ्योरी है आखिर वो कितनी वैलिड है क्या इंडिया की कंसर्नस हैं ये सारे डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव आप कोविड के ऑस में दिखा सकते हैं फिर सेकेंड मैंने आ, इसको तोड़ा था आपने ऐसे को कि रिविजिट द ओल्ड प्रॉब्लम्स एंड रिविजिट आर सेल्स कि आखिर जो कोई भी कोविड इज अ डिज़ास्टर तो कोई भी जब डिज़ास्टर आती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को क्योंकि तो डिज़ास्टर में दो ही तरीके हैं या तो हम ब्रेकडाउन होते हैं और या फिर हम सॉलिडारिटी शो करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और हम सब मिल करके कलेक्टिवली शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करते हैं और उसका सोल्यूशन ओरियंटेड अप्रोच रखते हैं तो आप बाकी सारे कैसे कैसे डिजास्टर्स को हमने हैंडल किया बिल्ड बैक बेटर योगो फ्रेमवर्क बहुत सारे बायोलॉजिकल डिजास्टर वर्ल्ड वॉर वन टू अपने आप में किसी बहुत बड़े डिजास्टर थे बहुत सारे लेसन्स हैं ह्यूमैनिटी के लिए लर्न करने के लिए तो ऐसे ही आप देखिए कि कैसे हमने रिविजिट किया अपने को और हमने कैसे री इमेजिन किया तो री इमेजिन इंडिया यहाँ पे आकर के लिंक होता है और फिर आप बताइए इंडिया ने क्या क्या किया थोड़ा सा ग्लिम्स यहाँ पे है कि हमने क्या क्या किया कॉम्प्रिहेंसिव फ्री यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात है डिज डिश्ट, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात है सीट्स बढ़ा दी गई मेडिकल में और टेली मेडिसिन की फैसिलिटी शुरू हो गई गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य जन आरोग्य योजना और जो पी की स्कीम है बहुत सारे जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है वो बढ़ा दिए गए ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं एम एस एम ईज के लिए गये, लिए गए वेंडर्स के लिए लिए गए डिजिटलाइजेशन बढ़ गया एजुकेशन के लिए क्या क्या हुआ आप ये सारी चीज़ें मैंशन करिए कि इंडिया पोस्ट कोविड वर्ल्ड में री इमेजिन करिए कैसा कैसा होगा एजुकेशन हेल्थ सोशल जस्टिस सोसाइटी इंटरनेशनल रिलेशन फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट करके नेक्स्ट uh, करके न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजीज जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वहाँ पे डिविजन है तो आप ये सब मेंशन कर सकते हैं And finally, तो हमने देखा कि कैसे आ, ये हमारा इंट्रोडक्शन था उसके बाद यहाँ पे हमने बॉडी के बारे में डिस्कस किया कि क्या-क्या कर सकते हैं कंक्लूजन में परफॉर्म रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म सबसे पहले तो आप जो कर रहे हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करिए छोटे छोटे चेंजेस से रिफॉर्म आएगा अल्टीमेटली जब ये सब हो जाएगा तब ट्रांसफॉर्म के स्टेज पे हम रीच करेंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नोट पे इसको कंक्लूड करिए वे फॉरवर्ड दीजिए कैसे दूसरी कंट्रीज ने इसको हैंडल किया कैसे हम खुद को रॉबर्ट्स बना रहे हैं रेजिलियंट इंडिया बना रहे हैं हम इन चीज़ों को डील कर रहे हैं तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड करिए गांधी जी की बात पे कोई कोट है फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट किया है कि वी डोंट एंटर आवर फ्यूचर वी क्रिएट इट तो अगर पैंडमिक्स आर गोइंग टू बी ए न्यू नॉर्मल फॉर एस हाउ आर वी गोइंग टू बिल्ड बैक बेटर एंड कन्वर्ट आर सेल्स इन टू प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव सोसाइटीज which can emerge out of these tragedies and still perform much better with the help of technology with the help of um, compassion and all the ideals and values that we hold so dear to us so this is up next take the previous year's question papers तो ये लास्ट ईयर 2020 का क्वेश्चन है लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप की देखिए लाइफ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बींग एंड बींग ह्यूमेन अब ह्यूमन बींग क्या है आप इसका ये भी देख सकते हैं मनुष्य एंड मानव ह्यूमन बींग जस्ट ऐसे अपने प्लान में बहुत सारे इस हैं तो हम भी एक ह्यूमन बींग है लेकिन जो बींग ह्यूमेन है इसका मतलब है मानव एक डिबेट चलती है कि हमें ह्यूमनिज्म की तरफ नहीं जाना है ह्यूमनिज्म क्या कहता है कि मैन इज द एसेंस ऑफ रियलिटी। हमें जाना है ह्यूमेटेरियनिज्म की तरफ ह्यूमैनिटेरियरिज्म क्या है कम्पैशन एम्पथी फॉर ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रीचर्स जिसमें ह्यूमन बीइंग सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि को एग्जिस्ट करता है तो ये उसी की वही बात हो रही है कि ह्यूमनिज्म नहीं ह्यूमनिटेरियनिज़्म हमें सिर्फ मनुष्य नहीं हमें मानव की तरफ जाना है तो थोड़ा एथिकल ओरियनटेशन है इस ऐसे का अब ये थोड़ा सा फिलासफिकल है आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे आप बिगनिंग कर सकते हैं किसी एनेकडॉट से किसी के एग्जाम्पल से Uh, कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल जिसमें किसी का वर्ल्ड व्यू ह्यूमन बींग का था ग्रेजुअली वो शिफ्ट हो गए ह्यूमेन uh, की तरफ फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे uh, गौतम बुद्धा जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप जर्निज्म स्कूल ऑफ़ फिलोसफी का एग्जाम्पल ले सकते हैं टाकू अंगुली मार थे कैसे उनकी लाइफ चेंज हो गई ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल uh, और ऑर्गेनाइजेशनल और um, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के एग्जाम्पल आ सकते हैं ये शो करने के लिए तो आपने यहाँ से अपना ऐसे बिगिन कर दिया या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर दूसरा तरीका और भी है कि आप सिंपली बताइए कि ह्यूमन बींग का क्या मतलब है और बींग ह्यूमैन का क्या मतलब है आप सिंपल मीनिंग बता करके भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप इंट्रोडक्शन में दो पैराग्राफ रखिए पहला पैराग्राफ आप करिए ह्यूमन बींग का सेकेंड पैराग्राफ आप करिए बींग ह्यूमैन का तो ये है अब इसके बाद क्योंकि ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है तो मैं इसमें ये बोलूंगी कि आप अपने जो पर्सपेक्टिव्स हैं क्या कर सकते हैं लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग सो आप पहले बताइए बिगनिंग ऑफ द जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं जब हम लोग सेल्फ सेंट्रिक रहे हैं मटीरियलिज्म बढ़ गया सोसाइटी में क्लाइमेट चेंज का बुरा इश्यू आ रहा है एलियनेशन हो रहा है हमारा खुद से डिसफंक्शनल फैमिलीज हो रही हैं मेंटल डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है हम ग्रो तो कर रहे हैं हमारी जीडीपी बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है हमारी जो सोसाइटी है वो एंटी इमिग्रेशन रेसिज्म जीनोफोबिया इस तरह के इश्यूज को आ, के चैलेंजेस जो है वो झेल रही है ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल दीजिए आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ सेल्फ फोकस सेल्फ सेंट्रिक होने की वजह से तो आपने जब बॉडी स्टार्ट की तो आपने फोकस करना शुरू किया ह्यूमन बींग पे अब आप जाइए धीरे धीरे आप ट्रांजेसन करिए कि वॉट इज़ बींग ह्यूमेन बींग ह्यूमेन होना क्या होता है कि हम अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करें कंजर्व करें आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखिए हमारे जो वसुधैव कुटुंबकम की जो इंटरनेशनल रिलेशंस की डॉक्ट्री है आप उसको देखिए सर्वधर्म संभाव को आप देखिए हमारी इंडियन फिलासफी विजन को देखिए बहुत सा जो लव कम्पैशन हिमपेथी इन सब चीजों की बात की जाती है आप ये सब मैंशन करिए तो आप ये सारे एग्जाम्पल से पॉपुलेट करिए बीइंग हमेन वाले पार्ट को और बाद में आप एक वे फॉरवर्ड दीजिए क्या आखिर ये पॉसिबल कैसे है तो आप जेंडर राइट्स की बात करें तो पहले वुमन को जो वोटिंग राइट्स थे वो नहीं थे ग्रेजुअली दिए गए ग्रेजुअली जो बहुत सारे और भी चीजें हैं जो पहले क्रिमिनलाइज थी अब वो क्रिमिनलाइज नहीं है डी उनको किया जा रहा है क्यों क्योंकि ह्यूमन राइट ये यू एन एच टी आर की बात कर सकते हैं यूनिवर्सल यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट ह्यूमन राइट सिर्फ सिविल और पोलिटिकल राइट्स नहीं होते कल्चरल राइट्स होते हैं कैसे जो इमिग्रेंट्स जा रहे हैं उनके लिए कैसे पॉलिसी चेंज हो रही है रिफ्यूजी कन्वेंशन रिफ्यूजी प्रोटोकॉल ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं तो ऐसा नहीं कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे एरियाज है जहाँ स्टिल ये सब चीज़ें बहुत विजिबली मैनिफेस्ट uh, नहीं है अब चाइल्ड लेबर वगैरह के लिए क्या क्या किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स बहुत सारी कमेटी की रिपोर्ट्स ये सब आप मैंशन करिए और लास्ट में आप कोई कोटेशन दे दीजिए या फिर सिंपली uh, कुछ इमेजिनेटिव सेंटेंस लिख करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था इनफैक्ट ये बहुत अच्छा ऐसे इसमें लिखा जा सकता है अब हम एक और देखते हैं

जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं हम प्रेजेंट हैं और हम माइंडफुल हैं हम समझ रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं हम उनका कॉज एंड इफेक्ट हमें पता है हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता है तो अपने आप ये एक ट्रैंक्लिटी अपने साथ लेके आता है जब नॉलेज ज्यादा होता है तो इग्नोरेंस कम होता है इग्नोरेंस को ही आई फैक्टर भी कह सकते हैं दैट इज ईगो और ये चीजें ट्रेंकुलिटी लेके आती हैं तो अब इसको कैसे शुरू कर सकते हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टिंग में इतने चैलेंजेस थे फ्रेंच जर्मन परशियंस एंड रशियंस इंग्लिश स्पेनिश ऑल द वॉर्स नेपोलियनिक वॉर्स वर्ल्ड वॉर्स ये सारे सब हुए ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं मैं कंट्री लेवल पे बात कर रही हूँ अब ग्रेजुअलीन ई यू एग्जिस्टेंस में आया अपने यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में आया काफ़ी ट्रैंक्वलिटी है जब हम समझने लगते हैं कि किसी का चीज़ का कॉज क्या है उसका इफेक्ट क्या होगा और हम माइंड में चीज़ें करने लगते हैं तो उस हमारा जो सेल्फ है वो शांत हो जाता है ये एक कंट्री लेवल पे एग्जांपल है आप इंडिविजुअल लेवल पे भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो सेजेस हैं रिशीज़ हैं वो कैसे करते हैं इनफैक्ट आजकल हम मेडिटेशन करते हैं योगा करते हैं योगा में बहुत सारे अलग अलग योगा करते हैं ये सब इसीलिए हो रहा है बहुत सारे थिंकर uh, इस बारे में बात करते हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स इस बारे में बात करते हैं तो सेम इस टॉपिक को आप ऐसे ही करिए आपको एनेक्टॉट लेकर के इसको शुरू करिए आप बॉडी में आइए और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एग्जाम्पल लीजिए आप कंट्री लेवल पे एग्जाम्पल लीजिए किसी सोसाइटी के लेवल पे ट्राइबल एरिया से एग्जाम्पल लेके आ सकते हैं आप जेंडर इश्यूज की बात कर सकते हैं आप बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो इसमें टच कर सकते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें से अब मैं मैंने डिस्कस कर लिया आपसे एब्स्ट्रैक्ट या फिलोसॉफिकल एसेज अब मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कुछ कॉन्क्रीट एसेज जिसमें बहुत डायरेक्ट होता है उनको कैसे अप्रोच करें फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है पेट्री आर्की इज द लीस्ट नोटिस द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनक्वालिटी तो वॉट इज पेट्री आर्की सबसे पहले तो आप ये एक्सप्लेन करिए जब आप बॉडी में आते हैं इंट्रोडक्शन में आप कोई भी डॉट लेकर के या फिर नॉर्मल uh, इंटरेस्टिंग सा एक फ्रेज बना करके या फिर कलेक्शन ऑफ फ्रेजेस बना करके आप इसको शुरू कर सकते हैं फिर आप वॉट इज पैट्री पे आइए ये बताना जरूरी है क्योंकि एक है, आ, के से। फिर आप बताइए कि वाइट इज लीस्ट नोटेस्ट येट क्योंकि एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनक्वालिटी तो मेरे हिसाब से लीस्ट नोटेस्ट को आप बताएंगे कि जेंडर राइस जेंडर इश्यूज की हम बात करते हैं लेकिन कैसे ये जॉब मार्केट को अफेक्ट कर रहा है कैसे ग्लास सीलिंग है डुबल बर्डन है ये सारे जो एंगल्स हैं कैसे जेंडर के जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम है इनफैक्ट जो चिल्ड्रन का क्राइम है उसमें भी जो गर्ल्स हैं उनका प्रोपोर्शन हाई है आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं टच करिए इसमें लीस्ट नोटिस जस्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर इसका मतलब ये है कि ये इंक्लूसिव इंक्लूसिव है हर जगह प्रेजेंट है ये ये घर में भी है ये जॉब्स में भी है ये डोमेस्टिक से लेके ऑर्गेनाइजेशंस में भी है ये मिथोलॉजी में भी है, ये हर जगह आपको ये मैंशन करना है और फिर आप मैं कहूंगी कि एक स्टेप और फर्दर जाइए आप बात करें कि पैट्रियार्की का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आर गेटिंग अफेक्टेड बट इवन मेन आर डोमिनेटिंग चिल्ड्रन और अदर uh, मेन तो इट इज अल्टीमेटली नॉट अबाउट जस्ट जेंडर इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट इट इज अबाउट एक्सप्लॉइटेशन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हु वीकर, और समबडीज टू बी वीकर देन यू तो आप इसको इतना वाइडर डायमेंशन में भी लेके जा सकते हैं कि अल्टीमेटली सोसाइटी में हो क्या रहे फिर जितने भी आपने जीएस वन में टू में थ्री में इश्यूज पढ़े हैं आप उनको इसके साथ लिंक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आ, क्या क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं देर इज यू एन वुमेन वमेन एसोसिएशन हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं मूवमेंट्स हैं क्या क्या हो रहा है तो इस तरह से इस ऐसे को अप्रोच कर सकते हैं Uh, एक और है विजडम फाइंड ट्रुथ अभी ये थोड़ा फिलासफिकल ऐसे है इसको एड्रेस करने से पहले मैं कहूँगी कि आप जानिए विजडम क्या है तो जानिए ट्रुथ क्या है और फिर आपको एक ब्रिज बनाना है विजडम से ट्रुथ का तो विजडम क्या होती है विजडम का मतलब है कि हमें पता है जो हमें पता है और हमें ये भी पता है कि हमें क्या क्या नहीं पता है और एटलीस्ट वो नहीं पता है तो हमें अवेयरनेस है दैट द थिंग्स दैट वी डो नॉट नो आउट नंबर द थिंग्स दैट वी नो हम इग्नोरेंट होते हैं ये विजडम है ये जानना कि देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी डू नॉट नो और जब हम अपने नॉलेज को और अपने इसके अगल बगल जो जितना सब कुछ है वो है इग्नोरेंस उसको समझ जाएंगे तो वहां से ट्रूथ की शुरुआत होती है क्योंकि कहा जाता है ट्रुथ इज नॉट अ थिंग टू बी अचीव्ड ट्रूथ इज अ प्रोसेस एंड सीकर ऑफ द ट्रूथ नोज दैट दे डू नॉट नो मैनी थिंग्स तो आप विजडम में शुरू करिए किसी फिलोसफिकल uh, थाट के साथ या फिर जो हमने ह्यूमन बींग्स ने विजडम पाई है अपने कॉस्मोस को लेकर के अपने पोलिटिकल सिस्टम्स को लेकर के जस्टिस को लेकर के ये जो वैल्यूज़ हैं इनको लेकर के आप इस पर डिस्कस करिए फिर इसको आप पॉपुलेट करिए एग्जाम्पल्स के थ्रू और इसको आप लेकर जाइए कि ट्रुथ क्या है आखिर जस्टिस में आप धीरे धीरे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लॉ से इवॉल्व आया ड्यू प्रोसेस ऑफ फेयर जस्ट एंड रीजनेबल तो ये विजडम हमें पता चला कि प्रोसीजर बाय लॉ में प्रॉब्लम है सब कुछ चीजें हैं जो एड्रेस नहीं हो रही हैं तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया केशव नंदा भारती बहुत सारी चीजें थी जो रिवर्स uh, हुई बहुत बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया इंडिपेंडेंस का जो हमारा स्ट्रगल है उसके बारे में बात कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस जो है जो फ्रीडम है लिबर्टी जो है वो अपने आप में एक आइडियल है ट्रुथ ट्रुथ का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं ट्रुथ का मतलब वो सारे आइडियल्स हैं अपने ट्रुएस्ट फॉर्म में तो इस तरह से आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ला सकते हैं और इसको एक ब्रिज बना के बता सकते हैं कैसे ये होगा आप इसमें गांधी जी टैगोर जी और बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स जैसे कि इमैनुअल कैंट हो गया जो जर् जर्मन जर्मन फिलासफर हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं ऐसे एक और देख लेते हैं वैल्यूज आर नॉट वॉट ह्यूमैनिटी इज बट वॉट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी तो वैल्यूज एंड आइडियल्स जो हैं दे आर लाइक थिंग्स जिनको परफेक्ट हैं जो जिनको पूरी तरह से उनकी तरह बन पाना मुश्किल है वैल्यूज क्या होते हैं आइडिया ऑनेस्टी करेज हंड्रेड परसेंट लेकिन क्या वो उनको रीच कर पाना पॉसिबल है किसी भी इंडिविजुअल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज़ डिफिकल्ट लेकिन होता क्या है जब हम उन वैल्यूज की तरफ बढ़ रहे होते हैं ये अगर हमारा एंड होती है तो जो हमारे मीन्स होते हैं चाहे वह एडमिनिस्ट्रेशन हो या कुछ भी हो वो सही हो जाता है तो आप इस तरह से एग्जाम्पल दीजिए कि अगर इंडिया ने एस्पायर किया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने की वैल्यू को तो वो कैसे उसने उसके लिए स्ट्रगल किया और उसने पाया कोई ह्यूमन बीइंग जब इसकी कोशिश करता है तो कैसे होता है एक ऑनेस्टी की बहुत सारे पब्लिक सर्विस में एग्जाम्पल्स हैं इस चीज़ के आप उसको ला सकते हैं सो so, अब इसमें एक और एग्जाम्पल है ये एक ऐसे आया था नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया रीजन्स फॉर इट्स बैकवर्डनेस बहुत स्पेसिफिक ऐसे है आप जब कभी टॉपिक्स पे जब भी आप ऐसे में चूज करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि इसमें से हमें हम वो टॉपिक हम करेंगे जो कोई नहीं कर रहा होगा ये सब मिथ है ऐसा नहीं करना है आप वो टॉपिक चूज़ करें इसमें आपको आता हो फॉर इंस्टेंस अगर इसमें आपको लग रहा है कि ये जी टू का है या जी वन में आपको इसमें मिल जा रहा है कंटेंट और ये सही है तो आप इस टॉपिक को चूज़ कर लीजिए नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सबसे पहले आप शुरू ही करिए कि कोई एनेक्टॉट या स्टोरी बना लीजिए या जो फैक्ट्स हैं उनको बता दीजिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या कवरेज है क्या मोर्टेलिटी रेट है एमएमआर हो गया आईएमआर हो गया अंडर फाइव मोर्टेलिटी बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कितने डॉक्टर का पॉपुलेशन का रेशियो है ये सब फैक्ट दीजिए आप एजुकेशन में आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से शुरुआत कर सकते हैं ड्रॉप आउट रेट से शुरुआत कर सकते हैं ये सब बताइए फिर आप इनके प्रॉपर बताइए नेग्लेक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर और फिर आप बताइए कैसे नेगलेक्टेड है क्या क्या चैलेंजेस हैं एजुकेशन का बताइए और कैसे ये रीज़न है बैकवर्डनेस का बैकवर्डनेस होती क्या है कि जब किसी की जो ट्रू पर्सनालिटी है जो उसका पोटेंशियल है वो उसको एक्चुअलाइज ना कर पाए उसे कहते हैं बैकवर्डनेस और हेल्थ एंड एजुकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं इंश्योर करने का कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल में बन जाए कन्वर्ट हो जाए तो हम ऐसे एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ एक इंडेक्स होता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स उसमें कहा जाता है कि जो बच्चा इंडिया में बॉर्न हुआ वो अपनी कैडल एडल्ट एज पहुँचने तक केवल अराउंड फोर्टी फोर परसेंट अपने पोटेंशियल का रियलाइज़ कर पाएगा और वो इसलिए होगा क्योंकि हेल्थ एजुकेशन जो सारे इंडिकेटर्स हैं वो हमारे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पोअर हैं हमारी कंट्री के तो इस तरह से रिपोर्ट्स आप मेंशन कर सकते हैं आप एक ऐसे बिल्डअप कर सकते हैं अपने जीएस के नॉलेज के बेस पे इसका तो मैंने काफी डिटेल में आपसे डिस्कस किया कि ऐसे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए देखिए एस इज अ स्टोरी स्टोरी है जो आप खुद अपने हिसाब से शुरू करेंगे खत्म करेंगे आप इसको यूनिक रखिए इंटरेस्टिंग रखिए मल्टी डायमेंशनल रखिए और बहुत सारी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है नॉर्मल कंसाइज प्रोसाइज ब्रीफ लेकिन कन्वेइंग अ मैसेज आप इस तरह की जब स्टोरी रखेंगे तो डेफिनेटली आपका ऐसे बहुत ही अच्छा ऐसे होगा और इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आप अलग अलग टॉपिक्स में कोशिश करिए कि अपने फाइनल एग्जाम से पहले कुछ ऐसे लिख के जाएं ताकि उन टॉपिक्स के साथ आपकी फेमिलियरिटी रहे बाकी आप अपने ऐसे की अपने एथिक्स जी एस वन टू थ्री और ऑप्शनल के नॉलेज को लेवरेज करना एक बार शुरू करिए तो आपको ऐसे में बहुत मदद मिलेगी उससे सो so, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो ऐसे को लेकर के तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में इनवाइट कोड डी एम यूज़ करके आप उस लिंक पे जाएंगे तो आप मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं देर विल बी अदर क्लासेज ऑल्सो आई विल बी देयर टू सॉल्व योर क्वेश्चन योर क्वेरीज एंड आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा थैंक यू